और जब तक सांस चले गुरु मंत्र को भूलना नहीं चाहिए, गुरु मंत्र को जाप करिए और चलते फिरते उठते बैठते जैसे भी हैं गुरु महाराज के मंत्र का जाप करिए, गुरु महाराज कृपा करेंगे। मेरा समय समाप्त हुआ, बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की प्रीत्यार्थं प्रणतपाय भवाद्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम नित्यबोधं चिदानंदम ॐ ब्रह्म नमः। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमः। अर्चनीय वंदनीय मधुमंगलमय साधु समाज के सज्जनों में नमः। सुमधुर कंठ से भजन का रसा स्वादन कराने वाली लक्ष्मीराज जी, आदित्य जी, उनके पूज्य पिताजी एवं समस्त साधक प्रेम सत्संग प्रेम महान भाव पूजनीय माताओं एवं भक्ति एक बार हृदय खुल के जिक्र बोलिए प्रेम से श्री अभी यहाँ सप्ताह ध्यान साधना शिविर का आज अंतिम दिन है और पहली पाली का सत्संग है। ध्यानम निर्विषयम मनः संसार में पांच विषय है, आंख का विषय है रूप, गोरा है कि काला है, हरा है कि पीला है, रंग रूप, आंख से ही ग्रहण हो सकता है। जिसको आंख नहीं है वह नहीं बता पाएगा, वो ये भले हाथ से टटोल के कह देगा कपड़ा है, लेकिन कौन रंग का है नेत्रहीन नहीं बता सकते, क्योंकि रंग रूप आँख के द्वारा ही बताया जाता है। इसलिए कहा कि आँख का विषय रूप है और आँख रूप में
नहीं रहती। कान का जो विषय है वो क्या है, शब्द है। बारह आदमी वो नहीं बता सकता कि निंदा कर रहा है कि प्रशंसा कर रहा है, बता पाएगा? तो निंदा और प्रशंसा हिंदी बोल रहा है कि अंग्रेजी बोल रहा है बहरा बता सकता है? आंख से देख रहा है कि मुंह चल रहा है, लेकिन भाषा कौन सी है, भाव क्या है? कान के सिवा दूसरा कोई इंद्रिय नहीं बता सकता। इसीलिए सब किसका विषय है, कान का विषय। बीच में से बताइए मत, जल्दी बैठे नाक का विषय है गंध, सुगंध दुर्गंध। नाक के सिवा और किसी से पता नहीं चलता, कहीं कुछ दुर्गंध वाली चीज है तो आप कान बंद करते हैं क्या, आंख बंद करते हैं? भले सिर घुमा देते हैं लेकिन बंद किसको करते हैं, नाक। दुर्गंध क्योंकि नाक में ही सामर्थ्य है। जो यह सुगंध दुर्गंध को पहचान सके, स्वाद चौथा विषय जिह्वा का, जिह्वा का विषय है स्वाद। पांच ज्ञानेन्द्रिया है, उनके पांच विषय है। तो जो स्वाद विषय है वो जिह्वा से ही पता चले। आप देख करके नहीं बता सकते कि इस सब्जी में नमक है कि नहीं, चख के बताए, और चखने के लिए नाक पर नहीं रखे, कान पर नहीं रखे, जीवा पर, तभी बताएंगे कि दाल में नमक है ज्यादा कि कम कि नहीं। तो जीभ से पता चलता है कि तेज है मसाला, इसमें मिर्च ज्यादा है कि कम है, खट्टा है क्या है, मीठा है, वो जीभ से तय हो जाता है। अंधा आदमी भी जान जाएगा कि खट्टा मीठा क्या है, बहरा भी है अंधा भी है तब भी जीवा से वो पता कर लेगा नमकीन है कि खट्टा है, मीठा है कि तीता है, क्योंकि जीव में सामर्थ्य है स्वाद बताने। और पांचवा हमारी ज्ञान इंद्रिया है जिसको त्वचा कहते हैं, चमड़ा कहते हैं। आपको हम कह दें अभी कि जरा देखिए हमको बुखार है कि नहीं है, तो आप किससे तय कीजिएगा कि गर्म है कि ठंडा, हाथ रखिएगा। आपका जो चमड़ा है वो हमारे हाथ को स्पर्श करके अब बताएगा कि शरीर में ताप ज्यादा है, फीवर है आप, तो स्पर्श करके ठंडा गर्म का ज्ञान कौन करता है, त्वचा से। तो पांच ज्ञान इंद्रिया है। अब पांच ज्ञान इंद्रिया के पांच विषय है अलग अलग रूप। अब पांचों ज्ञान इंद्रियों का स्वामी कौन है, इंद्रिया नाम मनोनाथ, इंद्रियों का स्वामी मन है। इंद्रिया मन से संचालित होती है। आपका कान बिल्कुल खुला हुआ है, आप बैठे भी आप पंडाल में हैं, हमारी बात इस
माइक के द्वारा दूर तक जा रहे हैं, लेकिन कान के खुले होने के बावजूद अगर आपका मन कान के साथ संयुक्त नहीं है, कहीं और चिंतन चल रहा है, तो आप मेरी बात नहीं सुन, क्योंकि आपका मन कान के साथ नहीं है, वो किसी भूतकाल में घूम रहा है, किसी भविष्य के चिंतन में लगा हुआ, इसलिए कुछ सुनाई नहीं देगा। बाबा क्या बोले, सब लोग था, है क्या बोले बाबा, तुम तो यही था तो क्यों नहीं सुना, जगे हुए थे यही थे तो क्यों नहीं सुन, क्योंकि आपका मन इस कान को आदेश नहीं दिया था कि बाबा की बात को सुन, मन कहीं और घूम रहा था, इसीलिए कुछ नहीं सुनिएगा। आप गहरे चिंतन में है, दो लोग बात करेंगे, आप कुछ नहीं सुनिए, क्योंकि ख्याल ही नहीं है, मन ही नहीं है, मन आदेश करता है। आदमी चार तरह की मिठाई रख दिया लाकर आपके सामने, तो हाथ उसी को छुएगा जिसको ये मन छूने के लिए कहे, उठा रसगुल्ला तो हाथ रसगुल्ले की तरफ जाएगा, इधर देख रहे हैं मन कहेगा उधर देखो, आंख फटाक से उधर चला जाए, सारी इंद्रियां मन से संचालित होती है, और इंद्रियों में जब मानस की धारा जुटी होती है तो इंद्रियां काम करती है, विषयों को ग्रहण करती है, अब विषयों को ग्रहण करके इंद्रियों को कितना सुख होता है, इंद्रियों का विषयों से जो सुख मिलता है वह सुख अशांतिदायक होता है, असंतुष्टिदायक होता है, और परिणाम में क्या होता है, दुखदायक होता है, क्षणिक सुखदायक, क्षणिक सुख वह भी अशांति पूर्ण सुख, असंतुष्टि पूर्ण सुख, परिणाम में दुख। इसीलिए जीवन पर्यंत हम रूप को देखते रहते हैं, जीवन पर्यंत गंध को लेते रहते हैं, नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का उपभोग जीवा को स्वाद मिलते रहता है, स्पर्श का सुख से लेकर के पांचों ज्ञानेंद्रियों के सुख में हम डूबते हुए इस संसार से चले जाते हैं, लेकिन हमारी भोगों की इच्छा पूर्ण नहीं होती, हम तृप्त नहीं होते और अंत में दुख होता है। इंद्रियां कमजोर हो जाती है, आंखें कमजोर हो जाती है। एक बूढ़ी हमारी रिश्ते में एक थी, समधेनी लगती थी, हम संजोग से एक बार उसके यहाँ गए तो देखे, उम्र बहुत हो गई थी, शरीर मोटा था और आंख पर ओ ये जो है ना ऊपर वाला भाग भौं इतना मोटा हो गया था कि आंख को दाब दे, वो इसको ऐसे उठा करके देखना पड़ता था, उसको आंख खोल नहीं पाती, चमड़ी आंख को दाब दिया था। उस बूढ़ी को हम देखे, ध्यान से सुनिए, अभी तो मर गए, अब नहीं, कि टेलीविजन को बैठ के देखती थी, सीरियल सोफा में बैठ के टेलीविजन देखती, बैठ के सीरियल देखती थी, और पता आप लोगों को वो जो कपड़ा टांगने वाला नहीं होता, कपड़ा जिससे पकड़ते क्या बोलते क्लिप, कपड़ा ऊपर फैला के क्लिप लगा देते कि कपड़ा उड़े नहीं, आंधड़ तूफान आंधी में हवा में,
तो वो चुट्टा जो है किली उससे आंख को ऐसे पकड़ लेती थी, और बैठ करके टीवी देखती थी बड़ा आराम से। तो हम मन में सोचे कि बताइए भगवान चमड़ा झूला के आंख को ये हाल पहुंचा दिए टीवी देखते देखते, लेकिन टीवी का शौक कैसा है, टीवी पे रुपए ना आता है, है? अलग अलग आता है, और उसी को देखने के लिए चिंता लगा लेते थे। बताए हर दो कब तक देखोगे, कितना देखोगे, तो महापुरुष संत लोग इसको समझाते हुए कहते हैं कि आप देखते रहो, आंख खराब हो जाएगी, दुनिया में रूप खत्म नहीं, रंग खत्म नहीं। महाराज भर्तृहरि का नाम सुने, विक्रमादित्य सुने ना, कि बड़े भाई थे राजा विक्रमादित्य, उज्जैन में हुए भारत के बड़े सम्राट, इतने महान सम्राट हुए कि भारतीय इतिहास में उनको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था उनके समय को, जिसके दरबार में कालिदास रहते थे, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से उनको जानते हैं, विक्रमादित्य राजा उज्जैन उनकी राजधानी है, भारतीय इतिहास का उसे स्वर्ण काल कहा जाता, विक्रम संवत है ना, उन्हीं के नाम से चला है, इतने महान राजा थे। उनके बड़े भाई थे महाराज भर्तृहरि, भर्तृहरि को 500 पत्नियां थी, कितना 500 शादी राजा भर्तृहरि ने किया था, बड़े रसिया थे, रंग रसिया जिसको कहते, पर राज के काम में बड़े ईमानदार, राज कार्य में बड़े ईमानदार, प्रजा के लिए बड़े हितैषी थे, पर बहुत सी पत्नी रखने का उनको एक अलग बीमारी थी, कमजोरी थी, रूप कमजोरी थी, आप कह सकते हैं पतिंगा वाला गुण था। तो बड़ा सुंदर तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सुन रहे हैं आप लोग, बोली प्रेम से श्री सतगुरु, पांच जीव ऐसे ऐसे हैं जिनको एक एक विषयों का मीन भृंग पतंग कुंजर और ये जो जीव है, मीन को मछली को सबसे ज्यादा प्रेम किससे है, जीवा से, जीवा के चक्कर में लोग बंसी में चारा लगा देते हैं, मछली देखते ही दौड़ के पकड़ते, मुंह में बंसी फंस जाती है, मछली की जान चल जाती है ना। ब्रिंग जो होता है उसको रस से बड़ा प्रेम होता है, स्वाद से, कमल में बैठ करके रस लेगा, सायंकाल में कमल की पत्ते बंद हो गए उसी में वो जकड़ेगा, मस्त हो जाता है, भूल जाता है पराग के चक्कर में, जान चल जाए। हाथी को स्पर्श विषय से बड़ा प्रेम, जंगल में उसको बड़ी सहजता से फंसा लिया जाता, उसी तरह पतंग, पतंग समझ, पतंगा उसको किससे प्रेम है, जो रात में उड़ते हैं कीड़े पतंगे, उसको रूप से बड़ा प्रेम, दीपक की लौ को देख करके इतना आकर्षित होता है कि दौड़ के जाके उसमें जल जाता है, और हिरण उसको शब्द विषय से बहुत प्रेम, उसको फंसा लिया जाता है जंगल में
बांसुरी बजाता है शिकारी, बड़े प्यार से बांसुरी बजाता है, बांसुरी के आकर्षण में हिरण एकदम मस्त हो जाता है, आराम से पकड़ी चली जाती है, मस्त हो गई, बांसुरी बज रहा है, हिरण मस्त पकड़ी गई। तुलसीदास जी कहते हैं विचार के लिए ये पांचों जो है एक एक विषय विनाश ही, तुलसी जिनके पांच तिनके कैतिक आस, इनको एक एक विषयों का आकर्षण है, मृत्यु के मुंह में पहुंचा देता है, शिकारी के जाल में फंसा देता है, तड़पा के मारना मरता है। जिस आदमी ही एक ऐसा है जो पांचों विषयों में आसक्त रहता है, रूप में भी रस में भी गंध में भी शब्द में भी और स्पर्श में, कहते पांचों विषयों का आकर्षण इस मनुष्य, तो जो पंच विषयों में आकर्षण कि मैं जो फंसा हुआ उसका क्या होगा सोचो, एक विषय में तो विनाश हो गया हम लोग है। तो भर्तरी हरि का राजा थे, सब कुछ ठीक था उनका, लेकिन रूप का आकर्षण बहुत था। जो स्त्री जो युवती राज में कहीं जाते थे ना, नजर पड़ी पसंद हो गई तो ब्याह कर लिया, 500 शादियां कर चुके थे। एक उनकी पत्नी थी बड़ी छोटी बड़ी सुंदर, पिंगला नाम था, उम्र भी बूढ़ा हो गए थे, और ये युवती थी स्वाभाविक है उम्र अधिक हो गया था, 500 विवाह करते करते स्वाभाविक। तो वो पत्नी जो पिंगला थी सबसे छोटी, वो 500 जिसको पत्नी होगी तो स्वाभाविक है कि कुछ पत्नी इधर उधर भी होगी। तो उनकी वो पत्नी जिनसे वो बड़े आसक्त थे, पिंगला का आकर्षण उनके प्रति नहीं था, पिंगला को उससे प्रेम नहीं था। वो एक युवक जो उनके दरबार में जो घोड़सवार विभाग था ना उनका, घोड़सवार सैनिक विभाग था, उसका जो प्रधान सैनिक था युवक, बड़ा वीर बड़ा कर्मठ बड़ा खूबसूरत, रानी पिंगला उसी युवक से प्रेम करती। एक दिन राजकुमार विक्रमादित्य अंधेरे के समय राजमहल के फुलवारी में किसी काम से ऐसे ही घूमने के ख्याल से वो चले गए, और वहां उन्होंने पिंगला को अपनी भाभी को उस सैनिक के जो प्रधान थे जो सैनिक था उनके साथ देख लिया, अंधकार में ही वो देख लिया उन दोनों को बैठे हुए, और वो उस मतलब को समझ गए, और उन्होंने उस रानी को पिंगला को फटकारा डांटा और कहा कि तुम, तुम्हारे प्रति राजा का इतना स्नेह प्रेम है कि तुम्हारी हर बात को मानते हैं, और तुम उनके साथ धोखा कर रहे हो, अपना रास्ता तुम सुधार, आज के बाद अगर तुम इसके साथ दिख गए तो इसको तो फांसी होगी ही, तुमको भी फांसी, मैं राजा की सारी बात मैं बता दूंगा, तो एक अवसर मैं दे रहा हूं, आज के बाद अगर देखा तो कह दूंगा पहली बार हमने देखा इसलिए माफ कर, कि राजा को भी दुख ना हो। वो डांट करके वहां से चले गए, पिंगला वहां से तेजी से राजमहल में गई, और आकर के महाराज भर्तरी को बुलाई और बोली कि आप हमको इतना मान आदर देते हैं, लेकिन आपका भाई का भाव हमारे प्रति ठीक नहीं। बोला क्या हुआ? बोला वो हमारे रूप के प्रति आकर्षित है,
और वो हमको बोलता है 500 रानियों वाले राजा तुमको कितना प्रेम देंगे, हमें भी स्वीकार दे। वो हमारे प्रति बुरी निगाह। राजा भर्तृहरि को बड़ा क्रोध हुआ, क्योंकि कागा कहते हैं ना, उल्लू को न दिन सुझे और कागा को नहीं रा, कामी अंध अजीब है दिवस सुझे नहीं राम। काम के अंधे जो होते हैं, आसक्त इतने थे काम में उसके प्रति भर्तृहरि कि न्याय और अन्याय का उन्होंने जांच परख भी नहीं किया, विक्रमादित्य का पक्ष भी नहीं जानना चाहा। रानी को कहा कि बोलो क्या करो, भाई है फांसी छोड़ के और कुछ कहो वही सजा दे। कहा कि अभी का अभी आदेश पारित कर दीजिए कि वो जहां है वहीं से राज सीमा से निकल गए और फिर कभी यहां नहीं है, क्योंकि आएगा तो पक्ष रखेगा ना, कहेगा ना, तो मुलाकात ही नहीं होने दे। इसी को कहते हैं देवो न जानाती आगे तिरिया चरित्र, देवता भी नहीं समझ पाते हैं। और तुरंत उसने आदेश दिया चले जाओ, राजा क्या हो गए, आदेश निकला, राजा का मोहर लग गया, विक्रमादित्य को ले जा करके दिया गया, कहा कि तुरंत निकल जाइए राजा का आदेश। विक्रमादित्य समझ गए कि तिरिया चरित्र चल गया और वहां से वो चुपचाप राजा का आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। तुरंत उस आदेश को ग्रहण किया, स्वीकार किया और तुरंत राज की सीमा से निकल करके दूर चले, जहां तहां भटकते हुए गुरु गोरखनाथ जी महाराज के पास पहुंचे। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, रे तुम तो राजकुमार विक्रमादित्य हो ना, तो कहा कि जी महाराज। तो कहा इस हालत में दरिद्र जैसे, कहा महाराज राज सिंह राज से हमें निकाल दिया। कहा पूछा क्यों, तो सारी कथा उन्होंने कह करके सुनाई अपनी दुर्दशा। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि राजा भर्तृहरि का दिमाग सही जगह लाना पड़ेगा, और एक ब्राह्मण को बुला करके गुरु गोरखनाथ ने कहा कि ये लो सेब ले जाकर महाराज भर्तृहरि को भेंट करो, और कहना कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने दिया है। उस समय बड़ी कीर्ति थी गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ ने दिया है और कहा है यह फल जो है बड़ा करामती है, चमत्कारी फल है, सिद्ध किया हुआ फल है, जो इस फल को खाएगा वो चीर यौवन रहेगा, मतलब 100 वर्ष भी जिएगा तो जवान ही रहेगा, बूढ़ा होकर के नहीं मरेगा, बुढ़ापा नहीं आएगी, अब इससे बड़ा वरदान क्या होगा, जवानी ही बनी रहे 100-200 जितना साल जीना है, तो इससे बढ़िया और क्या है। ले जा करके वो ब्राह्मण दिया और गोरखनाथ ने कहा कि जाओ इस फल को ले जाकर राजा को दो, तुमको दान पुण्य भी करेंगे। ब्राह्मण खुशी खुशी वो फल लेकर के भर्तृहरि महाराज के राज दरबार में जाकर के उनको भेंट किया, बड़े सोना चांदी के साथ उस ब्राह्मण को, हीरो के साथ ब्राह्मण को वहां से विदा किया भर्तृहरि, और कहा कि स्नान करके खा लेना है। भर्तृहरि ने सोचा कि हम तो खा लेंगे और चिर जौवन हम बने रहेंगे, लेकिन हमारी रानी पिंगला इतनी सुंदर है, ये तो बूढ़ा हो जाएगी तो इसके रूप खत्म हो जाएंगे, है ना। कहते हैं ना कि जवानी में लोग गुलाब के फूल जैसा होता है और बुढ़ापा में चिड़िया का खोता जैसा होता हो कि नहीं, काल मुंह धस जाता है, देखते हैं ना।
तो वो सोचा कि रानी इतनी सुंदर है, इनका रूप खत्म हो जाएगा, हम जवान रह के क्या करेंगे, सुंदर तो वो है उसको ना हमको देखना है। तो वो फल अपनी रानी पिंगला को देकर कहा कि चिर जौवन बनाए रखेगा तुमको ये फल गुरु गोरखनाथ का दिया हुआ। वो फल वो ले ली, और जब ले ली तो संत का खेल था, संतन की गति गोई या दादू जाने ना कोई, यहाँ तो उनकी गोई छिपी हुई थी ना, खेल था उनका। जैसे पिंगला को मिला, पिंगला बोले ठीक है हम खा लेंगे, और तब वो सोचती है कि हम खा करके जवाने रहे और मेरे आशिक प्रेमी जो है वो बूढ़े हो जाए, मेरी तो क्यों ना फल हम उनको दे दे, उनकी सुंदरता बनी रहे, उसको दे दिया शनि को, वो फल ले लिया शनि घुड़सवार चीर जवन फल। लेकिन विधाता का विधान ऐसा था कि वो जो युवक था सैनिक दरबार का, उसको पिंगला से प्रेम, पिंगला से केवल इसीलिए वो पिंगला के पास जाता था, उससे बुलाने पर मिलता था उससे, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो राजा से शिकायत करवा के हमको नौकरी से निकलवा देगी, फांसी पे भी लटकवा देंगे। और जब से उसके भाई को निकाला तब से वो उसके सामने बिल्कुल नतमस्तक हो गया था कि जब भाई को भगवा सकती है तो हमको तो पूरे फांसी दिलवाए, इससे कम में समझौता होने वाला नहीं है। लेकिन उस युवक को प्रेम, और उस नगर की एक वैश्या थी उससे प्रेम था, जिसको नगर बदल गया, बड़ी सुंदर थी, इसके मन में हुआ कि वो तो वैश्या है, शरीर सुंदर है तभी तक उसके पास लोग जाते हैं, धन दौलत देते हैं, और जब उसकी उम्र ढल जाएगी तो उनको कौन पूछे, बहुत सुंदर अवसर है, ये फल उसी को दे दे, वो जब तक दुनिया में रहेगी उसका युवापन यौवन बना रहेगा और उसका धंधा चलते रहेगा, कभी उसको दुख नहीं होगा, उसी को दे देता हूँ। वो ले जाकर के फल उस वैश्या को दे दिया और उसको बोल दिया कि चिर जौवन बनी रहोगी, इसी फल को खा ले। अब उसको जब फल मिला, वैश्या को संत का स्पर्श था, वैश्या के मन में होता है कमाल हो गया, एक तो कौन से जन्म का पाप था कि इतना सुंदर शरीर मिला, मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन रोजगार क्या है, तन बेचना, नए नए पुरुषों के संग रोज बेविचार रत होना, अगर मैं चिर जवन बनी रही तो ये जीवन भर ये धंधा चलता रहे और पाप से मुक्त नहीं हो सकती, उम्र ढल जाएगी कोई नहीं आएगा तो पाप तो छूट जाएगा कम से कम, क्यों ना मैं ये फल इस राज्य के सबसे लोकप्रिय न्याय के राजा को समर्पित कर दूं, वो जवन बने रहेंगे और खुश होकर के हमको कुछ धन दे देंगे और कहेंगे कि हमको इस नगर बदू से पद से हमको मुक्त करके भगवान का भजन करना है, बदले में इतना कीमती वस्तु हम आपको दे रहे हैं, तो वेश्यावृत्ति से भी मुक्त हो जाऊंगी, धन भी मिल जाएगा, बैठ करके आप भगवान का भजन करोगे। उसके ऊपर असर हो गया और दूसरे दिन दरबार में वो फल लेकर के हाजिर हो गई, कहा महाराज गुरु गोरखनाथ का दिया हुआ ये चमत्कारी फल चिर जौवन बनाने वाला, आप इसको ग्रहण कीजिए, मुझे वेश्या के पद से मुक्त कीजिए, नगर मधु के पद से, आप कुछ धन दे दीजिए ताकि मैं शेष जीवन अपना अब धर्म में लगा सकूं। जैसे उस फल को देखा गोरखनाथ के दिव्य फल को, महाराज भर्तरी तुरंत समझ गए और पूछे कि ये फल तुमको किसने दिया, सच सच बताओ, तो उसने कहा आपके ही दरबार में रहने वाले घोड़े के जो प्रधान सैनिक है उन्होंने मुझे ये दिया है। भर्तरी हरि को समझ में आ गया कि ये फल उसके पास कैसे पहुंचा, और तुरंत उन्होंने आदेश किया कि राजा राजकुमार विक्रमादित्य
गुरु गोरखनाथ के पास है। जहां भी गुरु गोरखनाथ हो तुरंत पहुंचो और गुरु गोरख राजकुमारी विक्रमादित्य को राज्य में लेकर आओ, ये मेरा आदेश। गोरखनाथ जी के पास ब्राह्मण जो फल दिया था उसके पते पर जाकर के गोरखनाथ जी के पास पहुंचे, वहां विक्रमादित्य उनको मिला। राजकुमार विक्रमादित्य को दरबार में लाया गया। राजा ने उनसे क्षमा मांगते हुए तक्षण मुकुट उतार करके विक्रमादित्य के सिर पर रख करके राजा घोषित कर दिया और अपने चले गए कहां, गुरु गोरखनाथ के पास, और कहा महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं आपके शरण में रह करके आप कल्याण के मार्ग पर बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जब संसार का लाभ लगता है तो वैराग्य जग जाता है, वैराग्य हो गया, समझ में बात आ गया कि ना भयो जग का हो तो कितनों को अपनों के हो, करी जतन जो याहि त्याग शांति सुख सोई भी। और वहां से वो निकल गए गुरु गोरखनाथ की शरण में जाकर के उज्जैन से दूर एक गुफा में, उस गुफा को देखा हो पर्थरी गुफा, जिस गुफा में रह करके उन्होंने कठोर साधना की और आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ, वैराग्य शतक उन्होंने ग्रंथ लिखा, उसमें लिखते हैं भोगम न भुक्त्वा वैमेव भुक्ता, हम भोगों को नहीं भोगते, हम आंख से रूप का भोग नहीं करते, रूप हमारी आंख को भोग लेता है और आंख हमारी खत्म हो जाती है, देखने की शक्ति चली जाती है, कान से हम शब्दों का सुख नहीं लेते, शब्द हमारे कान को भोग लेते हैं, कान में सुनने की शक्ति चली जाती है, कहते हम भोगों को नहीं भोगते, इस तन से हम सुख नहीं भोगते, विषय नहीं भोगते, विषय हम ही को भोग जाते और हम ही खत्म, विषय संसार में पड़ा ही रहे, भोगम न भुक्त्वा वैमेव भुक्ता, कालो न याति वैमेव याता, तपो न तपता वैमेव तपता, कहते हैं समय नहीं बीतता हम ही बीत जाते, समय तो चलता ही रहता, एतवार से लेकर शनिवार या कहिए कि सोमवार से लेकर के रविवार का चक्र खत्म होता है, वही बाहर निकल सकता है सोमवार से रविवार, ये घूम ही रहा है, अब कितने लोग खत्म हो जाते, कहते हैं समय खत्म नहीं होता, समय का घेरा खत्म नहीं होता है, आदमी खत्म हो जाता है, सृष्टि खत्म हो जाती है, भोग खत्म नहीं होते, भोगने वाला खत्म हो जाता है, तो जो इनमें फंस गया कहते हैं उनका विनाश, इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो विषय का त्याग करना है ये बड़ा दुर्लभ काम है, इसलिए दुर्लभ है कि विषय बार मन मीन अभिन्न नपल हो एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि पानी है विषय, पांच विषय रूप रस गंध स्पर्श सब, कहीं जाइएगा यही पांच, इसके सिवा संसार में छठा कुछ सुख है ही नहीं भोगने के, यही पांच इन्हीं का भोग होता है, तो ये पांच विषय दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, गुरु की कृपा होती है तो सब कुछ सहज हो जाता है, सदगुरु करना बिना, और गुरु की कृपा योग्यता प्राप्त करके ग्रहण किया जाता है, वर्षा गड्ढे में रुकती है, उसी तरह जिसके अंदर में श्रद्धा भक्ति गुरु भक्ति और गुरु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास लगन अधिक होगा वो शिष्य गुरु के कृपा को प्राप्त कर लेता है और अपना काम सहज ही बन लेता है। इसीलिए हम अपने मन को विषयों से छुड़ाने के लिए गुरु के आदेश का पालन करें, गुरु महाराज का यही आदेश है कि सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, सत्संग और ध्यान नित नियमित संलग्नता के साथ करना चाहिए और झूठ चोरी नशा हिंसा
व्यभिचार ये पांच पापों को त्यजना चाहिए। ऐसा हमें अपने को बना करके नियमित साधना करेंगे तो निश्चित आप अपने अंदर के मन रूपी मछली जो वो सरोवर मिलेगा उसको, जिस सरोवर का आनंद इतना इस विषयों के आनंद से विशेष है कि फिर वो विषय की ओर नहीं देखेगा। का हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, आ तेरा साहब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। जिस हंस को मान सरोवर जैसा शुद्ध जल का स्रोत तालाब मिल जाएगा, वो गंदे नाले के जल में क्यों डुबकी मारने के लिए लालायित हो। उसी तरह ये इंद्रियों के विषय जो है, पांच इंद्रियों के पांच विषय, इनके सुख अतृप्तिदायक अशांतिदायक है। तो जिस मन को मान सरोवर का सुख मिल जाएगा वो विषय सुख की ओर इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाएगा और निश्चित रूप से विषयों से ऊपर उठ करके अंतर के रस में लगा हुआ सहज ही विषयों से छूट जाएगा। तो अंदर में निज घट रस जो है पाना अगर चाहते हैं, उसी में शांति है, उसी में संतुष्टि है, उसी में सुख है, उसी में आनंद भी है और उसी में 84 के चक्कर से बचने का वही रास्ता और उपाय है। इसीलिए कठिन कितना भी हो इसको, इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा, गुरु की कृपा पाने का प्रयत्न आपको करना होगा। काम कितना भी कठिन है लेकिन अगर बहुत जरूरी है तो करना ही होता है। खूब गर्मी रहती है लेकिन रसोई में जाकर के महिलाएं भोजन बनाती है कि नहीं बनाती है? ठंडी में भी पुरुष को कह दीजिए कि थोड़ा देर किचन में खड़ा हो जाए, ठंडा में भाग के खड़ा हो जाए, लेकिन औरत की ये ड्यूटी रहती है कि भोजन बनाना है। खूब ठंडी रहेगी, बहुत ठंडी है, फिर भी वहां भी वो चूल्हा में जाकर के लकड़ी से, जिसको खाना बनाना लकड़ी से बनाती है, गर्मी में देखते हैं बनाती है कि नहीं बनाती, क्योंकि ड्यूटी है। उसी तरह मनुष्य की सबसे बड़ी ड्यूटी है आत्मानं मोक्षार्थम। वेदांत दर्शन कहता है अपनी आत्मा को मोक्ष में पहुंचाना ही मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है, ये ड्यूटी है, कर्तव्य है उसका। अगर इस कर्तव्य से चूक गया तो उसको 84 लाख जोड़ी में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब की चूक माफ ना होगी। तुलन अचल मुकाम, तो काहे का जग में आया रे, जो से नाम से प्रीत न लाया। तुम्हारे इस जन्म संसार में मनुष्य शरीर लेने का क्या अर्थ है अगर तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सका तो समय अधिक हो गया। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके ध्यान भजन सत्संग करते रहेंगे। बोलिए प्रेम से श्री
सहत गौर के की।